दर्शकों नमस्कार, महान्यूज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज महान्यूज के स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के लिए 32 वर्षों से कामकाज कर रहे ऐसे राजेश्वर सिंह साहब आए हुए हैं। आइए देखते हैं उनसे की हुई ये बातचीत। दर्शकों नमस्कार, दी महान्यूज इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज दी महान्यूज के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिनसे हम वर्तमान राजनीति से लेकर तमाम बातों को उनसे जानना चाहेंगे। तो दर्शकों, इस समय में हमारे साथ दी महान्यूज के स्टूडियो से आज के हमारे मेहमान हैं राजेश्वर सिंह साहब। मैं राजेश्वर सिंह जी के बारे में बता दूं कि राजेश्वर सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। पिछले 32 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बखूबी के साथ कामकाज कर रहे हो। इतने नहीं तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आपने छात्र संघ की जो शुरुआत की थी उसके आप अध्यक्ष भी रह चुके हों और पूर्व संपर्क प्रमुख बोरगांव मंडल के भी आप रह चुके हों। तो दर्शकों, हम सीधा रुख करेंगे आज के हमारे मेहमान राजेश्वर सिंह साहब से और उनसे जानेंगे कई सवाल। तो ये रहा पहला सवाल। राजेश्वर सिंह साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ खास मुलाकात में। आप ये बताइए कि पिछले 32 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पर जो कामकाज किए हैं, कौन कौन से पदों पर आपने कार्य किए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस समय वर्तमान में छठ पूजा का बहुत जोर है पूरे देश में जी। तो मैं सभी छठ व्रतियों को आपके दी महान्यूज चैनल के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। बिल्कुल। और आपने जो हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को संजय जी बुलाया है अपने स्टूडियो में, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसके कामकाज बड़े होते हैं। और राजेश्वर सिंह साहब, मैं आपको बता दूं कि पिछले 32 वर्षों से जो आपके कामकाज चल रहे हैं वो हमने काफ़ी नज़दीक से देखे हैं, इसलिए आप छोटे नहीं बल्कि आप बड़े हो और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हो। और जैसे कि आपने जो जिक्र किया है कि छठ महापर्व की, तो मेरे तमाम दी महान्यूज चैनल के उन सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी हम शुभकामनाएं दी महान्यूज के तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हो आप, क्योंकि पहला सवाल हमारा जो था। मैं आपके पहले अब सवाल पर आता हूँ जी कि आज के 30 से 32 वर्ष पहले जी मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जी के एक महाविद्यालय से जी राजनीतिक जीवन शुरू किया छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जी। फिर मैं यहाँ जीविकोपार्जन के लिए आया। अच्छा। लेकिन आदत तो बनी थी छात्र जीवन से ही लोगों की सेवा करना, जन सेवा करना। यहाँ आने के बाद हमने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बना। बिल्कुल। और सबसे पहले उस समय के नागपुर पश्चिम में दो मंडल हुआ करता था, एक मंडल था धर्मपेट मंडल और एक था बोरगांव मंडल जी। तो बोरगांव मंडल का हमको सबसे पहले युवा मोर्चा का प्रसिद्धि प्रमुख बनाया गया, यहाँ से हमारी राजनीतिक जीवन शुरू हुई जी। फिर उसके तुरंत बाद देखिए ऐसी एक परिस्थिति आई कि नितिन जी प्रदेश के अध्यक्ष थे जी, मैं उनसे मिला जी। उन्होंने सहर्ष हमको उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। बढ़िया। और संजोग बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए कि उस पर हम अल्प समय ही कार्य कर सके जी, पूरे कार्यकाल की स्थिति नहीं बन पाई, उसमें राजनीतिक कारण थे जी। राजनीतिक कारण था कि मुंबई से बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष और दुर्भाग्य से हम बन गए थे विदर्भ से। ओके। तो ऐसी स्थिति में हमको वो पद त्यागना पड़ा। उसके बाद उसके पहले भी हम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुके थे जी। नागपुर शहर 6 बार हमने उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया। इस बार हमने उनसे हाथ जोड़ा, हमारे वर्तमान प्रवीण जी दटके जी से कि अब किसी अन्य को अवसर दीजिए, हम इस पद पर बहुत रह लिए। तो तब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में हूँ जी, पद की जवाबदारियों से दूर
समाज जनसेवा उनकी समस्याओं को अपने हिसाब से उसको हल करने का प्रयास करते रहता हूँ। लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। जी, जी। नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने जिस प्रकार से बताया कि महाराष्ट्र और विदर्भ, यानी महाराष्ट्र से वो नाम आपका डिक्लेयर होना चाहता था, होना चाहिए था, मगर बावजूद उसके कि वो विदर्भ से हुआ और विदर्भ से होने के बाद फिर आपका वो चयन नहीं किया गया, ऐसा आपका कहना था। चयन उसमें एक तरह से मतलब स्थिति जो थी, राजनीतिक स्थिति कि मुंबई देखिए, इस प्रदेश जब बीजेपी में उत्तर भारतीय मोर्चा का गठन हुआ जी, तो विधायक आमदार अभिराम सिंह थे जी, वो पहला अध्यक्ष बने थे, उसके बाद मैं बना जी। और फिर मुंबई के लोगों के बीच का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से नहीं हो सकता था, विदर्भ में उनकी अपेक्षा हम कम हैं जी और वो ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको उस पद को त्यागना पड़ा। आज की स्थिति क्या है, कितने उत्तर भारतीय कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, या ये कहें अगर कार्यकर्ता की बात तो कर ही रहे हैं हम, अगर कार्यकर्ता के साथ साथ अगर हम तमाम उत्तर भारतीयों की संख्या की यदि बात किया जाए तो विदर्भ या नागपुर में कितने हो सकते हैं? देखिए संजय जी, आज नागपुर में उत्तर भारतीय जी एक समीकरण है, बिल्कुल चुनाव हराने और जिताने का जी, लेकिन नागपुर में या विदर्भ में जो उत्तर भारतीय हैं वो अपना निर्णय नागपुर में रख नहीं लेते हैं, उनका उत्तर प्रदेश या बिहार में क्या चल रहा है जी, जी। लहर उस आधार पर वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, इसको कोई बदल नहीं पाता है आज तक। यहाँ अगर हम चाहें कि हम उत्तर भारतीय मतदाओं को बदल दें, ये स्थिति कोई नहीं बदल सकता, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि उनका समीकरण बनारस से बनता है, उनका समीकरण आजमगढ़ से बनता है, गाजीपुर से बनता है, भगुआ से बनता है, रामगढ़ मोहनिया से बनता है बिहार में, क्योंकि वहाँ पर जो लहर होती है उस लहर के हिसाब से वो यहाँ पर कार्य करते हैं या समर्थन देते हैं। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया कि जो समीकरण की जो बात है, मतलब जैसे चुनाव आते हैं तो चुनाव में जो अपना योगदान, जो सहयोग जो होता है उत्तर भारतीयों का बड़े पैमाने पे होता है, ऐसा आज के हमारे मेहमान राजेश्वर सिंह साहब का ये कहना था। राजेश्वर सिंह साहब, मुझे एक बात ये भी जानना था कि जैसे कोई आज चुनाव आते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या फिर स्थानीय स्वराज्य संस्था यानी पार्षदों के जो चुनाव आते हैं, तो लोग अक्सर खड़े होते हैं, लेकिन स्कूली जीवन से जो छात्र संघ से जो जुड़ा होता है वो कार्यकर्ता कितना बड़ा होता है? देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो छात्र संघ की राजनीति करने वाला आदमी सीधे विधानसभा का प्रत्याशी बनता था जी, बिल्कुल। लेकिन नागपुर में हमको, हम लोगों ने ये देखा कि बगैर कारपोरेशन के सदस्य बने आप आगे की राजनीति नहीं शुरू होगी, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे साथ तो घटा है जी। और हम बेधड़क बोल सकते हैं क्योंकि हम भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता संजय जी, जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे साथ जो भी कुछ हो या न हो हम रहेंगे भाजपा के, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात अपने मंच पर रखेंगे, वो भी सत्य है और वो करना भी हमारा कर्तव्य है, अधिकार है कि हम अपनी बात को रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले को, नितिन जी देवेंद्र जी के हर फैसले को हम मानने के लिए भी उतना ही तैयार हैं जितना हम अपनी बात रखने का हक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार का जो एक श्रद्धा भाव जो होना चाहिए, किसी के प्रति किसी का जो सम्मान होना चाहिए, और एक पीछे आपने बात कही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कार्यकर्ता का जब कामकाज होता है उन्हें जो कुछ फ़ायदा होता है तभी वे अपने जो आला अधिकारी या जो बड़े नेता होते हैं उनके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, मगर जैसे ही उन्हें कुछ उनका मतलब बोलो या फ़ायदेमंद कोई चीज़ें जब साबित नहीं होती तो उनके इर्द गिर्द नहीं रहती, ये भी एक सच्चाई है। राजेश सिंह साहब, मेरा एक सवाल ये भी था कि आप पिछले 32 वर्षों से लगातार जो कई आपने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हमने आपकी राजनीति बहुत नज़दीक से देखे, लेकिन क्या लगता है आपको कि वर्तमान की जो राजनीति है आप उसे किस नज़रिए से देखते हो? देखिए संजय जी, एक समय था जी कि
राजनीति में लोग दल के लिए काम करते थे जी, आज दल के लिए नहीं खुद के लिए काम करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। मैं आपको एक अतिशयोक्ति बताता हूँ कि 2002 में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी जी। मैं नितिन जी के खिलाफ पर्चा भर दिया और उस समय हमारी उम्र 29 साल थी। 29 साल के उम्र में आपने वो जो डेयरिंग किया बहुत बड़ी बात। हाँ, हमने पर्चा भर दिया। हाँ, उम्र थी कम जी। देवेंद्र जी ने हमको बोले कि आप क्या कर रहे हो तो मैंने बोला हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है, तो हमको लगा कि यही सबसे अच्छा माध्यम है, जिस माध्यम से तो आप बुलाएंगे हमारी बात तो सुनेंगे। फिर उन्होंने वो हो गया विषय। फिर 2009 में जी हमने जम के प्रयास किया जी, ये हमको विधानसभा मिलना चाहिए जी, हम समीकरण में है, हमारी मेहनत है जी। उस समय पार्टी आई के माने सुधाकर राव देशमुख को टिकट दिया, हमने पर्चा भरा। फिर देवेंद्र जी ने बुलाया हमको, नितिन जी ने बोले कि दो में कोई एक ही लड़ता है ना, तो अब टिकट फाइनल हो गया, अब विषय बंद करो। बोला ठीक है सर, परसों वापसी मैं ले लूँगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, मतलब एक चुनावी प्रक्रिया में परिस्थिति है कि पार्टी के किसी एक ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है और पार्टी उस चीज को भली बात समझती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहाँ दाव लगाया जाए नहीं लगाया जाए, तो पार्टी ने जो दाव लगाया वो हमको मान्य हुआ, हमने अपना पर्चा वापस किया और सवेरे से लग गया सुधाकर राव जी के चुनाव में जी जी। तो ये हमारा भाव पार्टी के प्रति अपनी व्यथा कहने की थी जी, बगावत करने की नहीं, बगावत करने की नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं को जब भी कोई सफलता नहीं मिलती या उन्हें कभी बी फॉर्म भी दिया जाता है, मगर समय पे ऐसा एक मोड़ आता है कि उन्हें ये बताया जाता है कि सॉरी अब हम आपको उम्मीदवारी नहीं दे रहे क्योंकि दूसरे का नाम चल जाता है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से जो उम्मीदवार के लिए जिनका चयन होना रहता है और जो कामकाज पूरे सालों से इस पार्टी के लिए करते हैं तो उन्हें थोड़ी मायूसी तो आती जरूर है, और इसीलिए कुछ लोग इस प्रकार की बगावत नहीं बल्कि उन पदाधिकारियों को ध्यान में बात लाने के लिए इस तरह के कामकाज करते रहते हैं। संजय जी, अब एक घटना जब आपने इसको कुरेदा है तो मैं बता दूं, 2017 में रात को हमको पार्टी हाईकमान से आदेश आया कि आप आओ जी जी और सवेरे आपको पर्चा भरना है और पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करो। हमने नितिन जी के कार्यालय में गया, वहाँ पूरी डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, बोले सवेरे आपको भी फार्म कलेक्ट करके आप पूरा कागज करके फार्म भरो जी। सवेरे संजोग देखिए कि किसी और को टिकट मिल गया और उस पर नाम काटा हुआ, नाम हमारा नाम काटा हुआ, हमारे एक सहयोगी उनका नाम लिखा हुआ, मोबाइल नंबर हमारा। अच्छा, दर्द तो इतना बड़ा हुआ कि हर आदमी हमको बधाई दे रहा है, मीडिया से बधाई आ रही है, कैंडिडेट प्रत्याशी तो मैं हूँ नहीं, फिर भी मैंने पर्चा दाखिला कराया, चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रमुख की भूमिका निभाई। बिल्कुल, इतना बड़ा दर्द अगर मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत ज्ञान देने वाले लोग हैं, अगर वो बता दें कि उनके साथ होगा और वो ऐसा करेंगे क्या, लेकिन ये हिम्मत हमारे में थी और रहेगी। शाबाश, ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में ही शुरुआत है राजनीति की और अंत भी यहीं से कर दूंगा। बिल्कुल, आगे राजनीतिक जीवन हमारा समाप्त कर दूंगा लेकिन अन्य दल में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी राजेश्वर सेन साहब ने दिया है। उनका यह मानना है कि जो एक पार्टी के प्रति जो एक वफादारी जो चाहिए, एक डेडिकेशन जो चाहिए, वो इनके पास है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं कि खिलाड़ी वृत्ति आज लोगों के पास नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि अपना नाम खुद का कट जाए जबकि अपन रेस में रहते हैं, और जब किसी का अन्य का नाम आता है तो उसके लिए प्रचार करना होता है तो कई लोग प्रचार नहीं करते बल्कि उनका एंटी प्रचार करते। बावजूद उसके कि राजेश सिंह साहब ने भले ही मुझे सीट न मिले लेकिन मेरी पार्टी का उम्मीदवार है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से जो उम्मीदवार का नाम तय किया गया था, जिन्हें वो बी फॉर्म दिया गया था, उनके लिए इन्होंने दिन रात प्रचार किया। ये इस खिलाड़ी वृत्ति के लिए मैं आपका सही में बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, ये बताइए कि कोई भी पार्टी का जो जनाधार होता है कई धर्म जाति या कई भाषा पे होता है। अब अगर मैं कहना चाहूँ तो कि महाराष्ट्र में बीजेपी में उत्तर भारतीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, लेकिन उनकी स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है? देखिए,
महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीयों की स्थिति जो है सम्मानजनक तरीके से है जी। अब हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक नसीहत देने की बात है, हमने लंबे समय से काम किया है संजय जी कि आप अगर टिकट मांगने के बात करते हो कि नहीं हमको टिकट मिलना चाहिए, हमको इस महत्वपूर्ण पद पर दिया जाए, लेकिन वो महत्वपूर्ण पद देना, देखिए भारत कोई भी दल हो वो अपना राजनीतिक समीकरण देखती है और हमेशा हाईकमान किसी एक एक दो सीट की बात छोड़ दीजिए, ऐसा होता होगा कि लेकिन पार्टी हमेशा सोचती है कि ये प्रत्याशी जीत की तरफ जाएंगे क्या, इनकी राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इनका जनसंपर्क कितना रहा, कितना ये कितना चढ़ पाएंगे जी जी। तो कई बार हमारे उत्तर भारतीय कार्यकर्ता इस चीज को नहीं समझते हुए वो अपने महत्वाकांक्षा को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि जो उनके खुद के लिए भी नुकसान करता है और दल के लिए भी नुकसान होता है। तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा आगाह करने का कोशिश करता हूं कि आप गलत जा रहे हैं, आप कार्य कीजिए। टिकट देना, चुनाव लड़ाना ये पार्टी के उच्च लोगों का काम है। हमने लंबे समय तक मैं बैठा हूं, आप तो हमसे पहले, आप जिस पद पर आज हो उस पद पर तो हम लंबे समय तक पहुंचे ही नहीं थे और आज भी मैं हूँ, आपके सामने मैं उदाहरण हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है, कई कार्यकर्ताओं को उनके समझ में या सोच में कुछ न कुछ कमी हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में मैं अपने पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे चाहूँगा संजय जी उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें और ऐसा चढ़ाने की भी प्रवृत्ति लोगों में बन गई है कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा है तुम मैदान में आ जाओ। जब वो मैदान में संजय जी जब आ जाता है तो फिर मैदान से हटने के लिए वो तैयार नहीं होता है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, करेक्ट, उसके वजह से दल का नुकसान होता है। तो ऐसे स्थिति आने के पहले हमारे उच्च जो पदाधिकारी हैं उनको उनसे संपर्क करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां चुनाव के समय में ना आए और ये पार्टी हित में होगा, ये हमारे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी राजेश सिंह साहब ने दी है। इनका ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को कई मौके मिलते हैं लेकिन सही मौके पे सही कामकाज करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर उनके हितों में काम होता है तो भी काम करना चाहिए, अगर उन्हें अगर उनके हितों में काम नहीं भी होता है तो भी उन्होंने कामकाज करना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हर किसी की मुराद या हर किसी का मनचाहा काम नहीं हो सकता, मगर सबूरी रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए और कहते हैं ना कि इंतज़ार के फल मीठे होते हैं, लेकिन ये कलयुग है, आज लोग इंतज़ार के चक्र में नहीं गिरना चाहते, लोगों को इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा काम चाहिए। और शॉर्टकट में, हाँ शॉर्टकट से एक बात है सर, ये बताइए कि कहीं मैंने ऐसे मेरे जीवन में राजनेता देखे, कई कार्यकर्ता देखे जो शॉर्टकट से बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते या जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा बनना चाहते, क्या जीवन में शॉर्टकट होना ज़रूरी होता है? देखिए संजय जी, ये इस बात का मैं सहज उदाहरण दूंगा, कोई हम अपने पर लेके नहीं दे रहा हूँ, कि हमारे सामने कई ऐसे कार्यकर्ता जिनका योगदान कोसों दूर था जी, लेकिन उनके नसीब में था। देखिए अंत में सब कुछ करके हमारी जो मान्यता और आस्था है कि राजयोग भी होना चाहिए। कई बार बहुत लोग मेहनत किए, अब हम लोग आज तक चुनाव नहीं लड़ पाए, अपने सामने कई कार्यकर्ता आए चुनाव लड़ लिए, हाँ लेकिन जब वो कार्यकर्ता हमको ज्ञान बताते हैं तब बुरा लगता है कि इनका इतना तो अनुभव नहीं है, इतना तो उनको मर्यादित रहना चाहिए कि आप वो हमको राजनीतिक ज्ञान तो नहीं दें। ठीक है आप पद पर हो, आपका सम्मान है, लेकिन आप मर्यादा भी देखो। आज हमारे पार्टी में जो भी बड़े नेता हैं नितिन जी या देवेंद्र जी, उनके सामने जो कई बार बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता आते हैं उनकी चीज़ों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, नमन करते हैं, तो ये उनकी महानता है। तो जो उच्च पद पर बैठा है ना उसके अंदर यह भावना होना चाहिए। बिल्कुल, आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे लग रहे जैसे फूल बरस रहे हैं और इसका निश्चित तौर पे कई लोगों को इसका फ़ायदा भी होने वाला है। जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टकट मारता है उसका जीवन भी शॉर्टकट ही होता है। इसीलिए सही डेडिकेशन, पूरे प्रामाणिकता के साथ
कठोर अथक परिश्रम करना चाहिए, कठोर मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने कार्य में और इजाफा करना चाहिए, नॉलेज को ग्रहण करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को और भी निखार देती है। सर, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल यह है कि इस समय में महान्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर आप कुछ मार्गदर्शन के तौर पे कुछ बात करना चाहो तो क्या उन्हें संदेश देना चाहोगे? संजय जी, मैं एक कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आज नागपुर के राजनीति और मीडिया में द महान्यूज जिस तरह से घर घर में और उसके जो दर्शक बढ़ रहे हैं, और मैं तो आपसे आपके दर्शकों को भी बोलूँगा कि स्वच्छ, साफ सुथरी और निष्पक्ष अगर समाचार सुनना हो तो महान्यूज का जरूर सुने, क्योंकि इनकी जो विशेषता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये निभा रहे हैं। मैं इस द महान्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसका वो पूरा चयन करें और देखें और विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे महान्यूज स्टूडियो में आए हुए मेहमान राजेश्वर सिंह साहब, जो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कामकाज कर रहे हैं। उन्हें हर सवाल पूछा गया, हर सवाल के उन्होंने सटीक और बिंदास जवाब भी दिए। तो दर्शकों, यह कार्यक्रम को पूरा करने से पहले मैं फिर से एक बार राजेश्वर सिंह साहब, आपका दी महान्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो दर्शकों, यदि आपको महान्यूज़ की खबरें देखना है या अन्य प्रोग्राम देखना है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगली बार फिर हम इसी पर्सनैलिटी को आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए खास मुलाकात में मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम महान्यूज़ का, खास मुलाकात नागपुर।